महानगर में नवरात्र, दशहरा एवं मूर्ति विसर्जन तथा मंगलवार को निकलने वाली मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा को देखते हुए महानगर में समुचित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। आपको बता दें कि दशहरे के लिए सोमवार शाम 5 बजे से ही रूट डायवर्जन कर दिया गया है, जो संत कबीर नगर की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी वाहनों को सहजनवा बाईपास 0 पॉइंट से ही डायवर्जन किया गया। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर, करजहा एवं जंगल कौड़िया फोर लेन होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। बड़हलगंज से गोरखपुर की तरफ आने वाले वाहनों को बाघागाड़ा स्थित फोर लेन पर डायवर्जन किया गया। ये वाहन रामनगर, करजहा एवं कालेश्वर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कुशीनगर से आने वाले भारी वाहन कोनी फोर लेन से रामनगर, करजहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। शहर की तरफ प्रवेश वर्जित रहेगा। देवरिया से आने वाले भारी वाहन रामनगर, करजहा फोर लेन, बाघागाड़ा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। अमर उजाला तिराहा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रोडवेज एवं प्राइवेट बसों को अमर उजाला तिराहा से डाइवर्ट किया गया। ये वाहन देवरिया बाईपास से रामनगर, करजहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। नौसर चौराहे से टीपी नगर चौराहा की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर, करजहा एवं कालेश्वर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। दुर्गाबाड़ी, अलीनगर, बख्शीपुर, जुगनू तिराहा, टीपी नगर, राप्ती नदी के पुल के मार्ग पर किसी प्रकार के चार पहिया, दो पहिया, रिक्शा एवं साइकिल से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। घोष कंपनी से नखास चौक तथा घोष कंपनी से रेती चौक तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। अलहदादपुर तिराहा से घंटाघर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से पांडेहाता घंटाघर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नॉर्मल से बर्फखाना हाशुपुर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। हुमायूंपुर रेलवे ओवरब्रिज, तरंग ओवरब्रिज से गंगेज चौराहा, अलीनगर, बख्शीपुर, घंटाघर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। विजय चौक से अलीनगर, चरणलाल चौक की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के राजकीय वाहन एवं प्राइवेट वाहन CS चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चार फाटक ओवरब्रिज से कौवाबाग बाईपास मार्ग से पादरी बाजार चौकी, फातिमा अस्पताल, खजंची चौराहा होते हुए भगवानपुर के रास्ते बरगदवा चौकी होकर फरिंदा सुनौली की तरफ जाएगी। रोडवेज एवं एम्बुलेंस जैसे वाहनों को आने जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा का रूट डायवर्जन मंगलवार को 12 बजे से लागू होगा। धर्मशाला चौराहे से गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। जेपी हॉस्पिटल से गोरखनाथ मंदिर जाने वाले लोग दुर्गाबाड़ी होकर जाएंगे तथा ग्रीन सिटी मोड़ से आने वाले वाहन सूरज कुंड की तरफ से जाएंगे और सगुन मैरिज हॉल से मानसरोवर रामलीला मैदान जुलूस के समाप्ति तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए इस डायवर्जन का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, शहर में 3 प्रकार के डायवर्जन नवरात्रि, दशहरा मेला और श्री गोरखनाथ मंदिर शोभा यात्रा को देखते हुए 3 प्रकार के डायवर्जन लागू किए गए हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको गोरखनाथ मंदिर शोभा यात्रा का डायवर्जन, वो कल 4 तारीख के लिए 12 बजे से लागू होगा वो डायवर्जन। उसमें धर्मशाला चौराहा से गोरखनाथ मंदिर की ओर जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित हैं। अगर उधर जाना है किसी को तो दुर्गाबाड़ी, सूर्यकंड और ग्रीन सिटी और कौड़ेवा मोड़ होकर जाएं। इसी प्रकार JP हॉस्पिटल से गोरखनाथ मंदिर जाने वाले वाहन भी दुर्गाबाड़ी होकर जाएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया मोड़ से आने वाले जो वाहन हैं उनके लिए रामनगर तिराहे से मोड़ के नखा ओवरब्रिज से पास कराया जाएगा और ग्रीन सिटी मोड़ से आने वाले वाहन भी सूरज कुंड की तरफ से जाएंगे और सूरज कुंड से रामलीला मैदान की तरफ जुलूस की समाप्ति तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं और लेवा तिराहा से गोरखनाथ मंदिर की तरफ भी सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। ये वाहन जाहिदाबाद तिराहे की तरफ से जाएंगे। इसी प्रकार दशहरी बाग तिराहा से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले वाहन कौड़ेवा मोड़, इंडस्ट्रियल मोड़ होते हुए जाएंगे।
यानी कि गोरखनाथ मंदिर के शोभा यात्रा के रास्ते की तरफ आने वाले सभी वाहन मंदिर से लेके और मानसरोवर मंदिर कार्य एरिया पड़ता है उस एरिया में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश कल 12 बजे से ही प्रतिबंधित है। तो मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए इसी प्रकार से अपना कार्यक्रम बना के निकलें। और दशहरा मेला के संबंध में जो उपयोग डायवर्जन बताया, इसके अलावा बाहर के जनपदों से आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है तथा यात्री वाहन भी डाइवर्ट किए गए हैं। अमर उजाला तिराहा से नौसड़ की तरफ सारे वाहन प्रतिबंधित हैं। सहजनबा से नौसड़ की ओर भी कोई वाहन नहीं आने दिया जाएगा। ये कालेसर से जंगल कौड़िया और बाघागाड़ा फोर लेन होते हुए सोनबरसा की तरफ से जाएंगे। इसी प्रकार बनारस और बढ़लगंज की तरफ से आने वाले वाहन भी फोर लेन बाईपास से कालेसर और जंगल कौड़िया और जगदीशपुर कोनी होते हुए जाएंगे। पैडलेगंज और मोहद्दीपुर की तरफ से आने वाले वाहन को देवरिया रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा। अमर उजाला तिराहा और चिड़ियाघर होते हुए जाएंगे। खजांची रोड से आने वाले वाहनों को पादरी बाजार की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। बरगदवा की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए चिलुआताल और स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ से पास कराया जाएगा। रेलवे अंडरपास और पैडलेगंज की तरफ से आने वाले जो दर्शनार्थी के वाहन होंगे उनके लिए म्यूजियम रोड पर खड़ा कराया जाएगा। हार्वर्ड बंधा से लाल डिग्गी वाले वाहन टीपी नगर और अमर उजाला बाईपास की तरफ पास कराए जाएंगे। कुल मिला के संक्षेप ये कि धर्मशाला से दुर्गावाड़ी चौराहा तक ये दशहरा मेला के दौरान ये 9 व्हीकल जोन रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का वाहन प्रतिबंधित है। ये हमारी यातायात व्यवस्था है। मेरा गोरखपुर के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए इस डायवर्जन प्लान का पालन करें। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी हमने समाचार पत्रों के माध्यम से भी सभी को दी जा चुकी है। कृपया घर पर निकलने से पहले डायवर्जन प्लान का जरूर अवलोकन कर लें। थैंक यू।